नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अमित ट्रेडिंग में। तो अभी हम अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार मेरा वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा कि मैंने निफ्टी में किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करके दिया था और किस तरीके से वो काम किया है। थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करेंगे अपने पीछे, आज किस तरीके से निफ्टी काम किया है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, और फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे कि मंडे अपने किस तरीके से फिर निफ्टी में एक अच्छी प्लानिंग करके प्रॉफिट यहां पे अर्न कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया था, जो मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, वो वैसे ही मेरा लगा हुआ है। तो एक बार हम यहां पर एनालिसिस करेंगे किस तरीके से मैंने आपको यहां पे ड्रॉ करके दिया हुआ था। तो ऊपर में जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22,700 का है। उसके बाद मैंने दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिया था 22,628 का। तीसरा मैंने नीचे में आपको रेजिस्टेंस दिया था 22,551 का, और सपोर्ट मैंने दो दिया था 22,480 का। दूसरा था मेरा 22,424 का। तो इसको समझने की कोशिश करिए, अभी हम लोग टाइम फ्रेम पे हैं, एक घंटे हावरली टाइम फ्रेम पे हैं। तो ये मेरा 5 लाइनिंग ड्रॉ था। आप मेरे वीडियो को जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ था कि अगर निफ्टी जो है गैप अप खुलता है तो अपने सी साइड में प्लानिंग नहीं करेंगे, और एक नीचे आने के बाद जो प्राइजेक्शन बनेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने आपको किस तरीके से यहाँ पे एक देखिए चार्ट जितना सिंपल आप रखेंगे, जितना ही अच्छे से चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उतनी ही अच्छी आपको आपकी मार्केट में पकड़ बनेगी और एक अच्छा प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं इस मार्केट में। तो चार्ट को रीडिंग करना समझिए, चार्ट ही आपको सब कुछ यहाँ पे बताएगा। तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे काम किया है। तो ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पे हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि निफ्टी जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो अपने प्लानिंग करेंगे किस बिहाफ पे करेंगे, अपने कॉल साइड में नहीं जाना है, यहाँ पे एक प्राइजेक्शन के बिहाफ पे ट्रेड लेना है। तो जो मैंने आपको ऊपर में रेजिस्टेंस दिया था 22,727, ठीक वहीं पे निफ्टी गैप अप खुलता है और उसी रेजिस्टेंस के आसपास आकर के निफ्टी क्या बनाता है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल का ये हाई था, आज का उसी पे हाई है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी क्या बना रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो डबल टॉप निफ्टी यहाँ पे बना करके और फिर फॉल अच्छे से देता है, और फिर इसी अपने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है। और देखिए यहाँ पे भी ट्रिपल टॉप बना करके निफ्टी एक अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। नीचे में जो आपने सपोर्ट दिया था 22,480 का, वहां पे ब्रेकआउट आने के बाद आप देख सकते हैं अच्छा खासा फॉल यहाँ पे निफ्टी में देखने को आपको मिला है। तो ये सारा चीज आप कैसे समझेंगे सिनेरियो, तो इसके लिए हम एक बार अपने प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक बार अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया कुछ पिछला अपना एनालिसिस, बैक एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो अपना टेस्टिंग हो गया कि हमारा जो वीडियो है, हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो किस तरीके से यहाँ पे आप लोग को काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी तो ये तो चीज बीत चुकी है, अब हम चलते हैं अपने मंडे की प्लानिंग करते हैं कि मंडे किस बिहाफ पे हम लोग ट्रेड करेंगे और कैसे अपने एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा चीज एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, और फिर से मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी यहाँ पे कैसे क्या चीज यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 2 दिन की जो क्लोजिंग थी रेड में, उसको निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया था, इनगल्फ किया था ये कैंडल जो बड़ी वाली है। तो मैंने आपको साफ बताया था कि निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे सकती है। तभी हमारा जो प्लान होने वाला है वो होने वाला है वर्ली चार्ट पे, हम चल के एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपके पास नीचे
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एक बार आइए और आपके पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। ऊपर में जो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा उसको आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए, वो आपका होने वाला है निफ्टी का जो आज का हाई है 22,617 का, आपका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके सामने होना चाहिए। और नीचे में जो आपके सामने सपोर्ट होगा वो होगा निफ्टी का जो लोएस्ट प्राइस है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास होनी चाहिए जो निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग है। यहाँ पे 3 लाइन आप देख सकते हैं, 22,617, 22,460, 22,385, ये आपके सामने एक बार 3 लाइनिंग होनी चाहिए। चलते हैं अब अपने हावरली चार्ट पे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जितना ही सिंपल आप चार्ट को समझेंगे उतना ही आपको समझने में यहाँ पे आसानी होगी। तो यहाँ पे आपके सामने जो दूसरा यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए वो निकल के आएगा आपका, एक ओरिजेंटल लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो आएगा आपका 22,355 का, और दूसरी जो लाइन है 22,385 की। ऊपर में आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप आएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल टॉप बना करके निफ्टी एक अच्छी खासी फॉल दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले ही आपको अपडेट कर दिया था, अगर आप इसके भी आप पे भी ट्रेड लिए होंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज आप निकाल के बैठे होंगे। तो आप मंडे की प्लानिंग आप कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करिए। एक आपके सामने रेजिस्टेंस और बन के आएगा जो आपका होने वाला है यहाँ पे 22,555 का, और दूसरा रेजिस्टेंस जो आपके सामने निकल के आएगा वो आएगा आपका 22,515 का। तो यहां आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लीजिएगा, मैं इसको जूम करता हूं। पहला जो अपना ऊपर में रेजिस्टेंस है वो निकल के आया है 22,617 का, दूसरा रेजिस्टेंस है अपना 22,551 का, तीसरा अपना रेजिस्टेंस बन रहा है 22,515 का, और ऊपर में जो सबसे पहले रेजिस्टेंस अपना बन रहा है 22,460 का, नीचे में सपोर्ट आपको 22,385 और 22,355 का एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। अपने मंडे प्लानिंग कैसे करेंगे? अगर निफ्टी जो है गैप अप खुलने की कोशिश करता है और गैप अप खुलने के बाद अगर 22,515 के आसपास यहाँ पे 22,500 यहाँ पे गैप अप खुलता है तो अपने सी साइड में कोई प्लान मत करिएगा, इसको चलने दीजिएगा। ऊपर में 22,515 के आसपास आता है यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बनाने की कोशिश करे, या कोई किसी तरीके से अपने बेरिश कैंडल का वेट करेंगे, अगर कुछ मिलता है तो अपने यहाँ पे पी साइड में प्लानिंग करेंगे और टारगेट अपना निकल के आएगा 22,460 का। वापस से यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी तरीके से एक निफ्टी दायरे में खुलता है और एक गैप अप खुलने के बाद निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो सी साइड में आप मत जाइएगा, एक बार रिटेस्ट का इसका वेट करिएगा। जब यहाँ पे रिटेस्टमेंट का प्लान बनाएगा बैंक निफ्टी जो है 22,460 का, तो अपने यहाँ पे कोई आपको बुलिश कैंडल या कोई प्राइजेक्शन या डब्लू पैटर्न दिखे, या कोई क्या बोलते हैं मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल दिखे, या फिर कोई हैमर दिखे, तो यहाँ पे अपने सी साइड का प्लान कर सकते हैं और टारगेट अपना होगा 22,515 का। तो ये अपना गैप अप और गैप ओपनिंग का ट्रेड हो गया। अगर निफ्टी कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है इसी के आसपास और यहाँ पे साइडवे रहने के बाद जो है अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ पे अपने पी साइड का प्लान बना सकते हैं, अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा अपने क्लोजिंग का 22,385 का। तो ये अपने निफ्टी का पूरा एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको जाके वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, मंडे की प्लानिंग आप अच्छे तरीके से करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।